मैं आपका मुन्ना भाई मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच में शामिल है, उपस्थित है, जो आपके जीवन में एक अलग तरह का रोमांच देता है। और वो रोमांच खासकर आप यूथ है, और आपके पास ऊर्जा का अपार स्रोत है। और युवा माइंड में जो सोच है उसमें एक बहुत ही शानदार वर्ड जो है ना, काफी ऊर्जा प्रदान करता है। जिस जगह पे मैं हूं आज, यह लवर्स पॉइंट, मतलब समझ रहे ना? अरे बिल्कुल सही समझा आपने। अरे वही जहां पे प्रेमी और प्रेमिका आकर बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं, रोमांटिक जो है ना बातें करते हैं, उस जगह पे मैं हूं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, किस टॉपिक पे आपसे मैं उन सारे चीजों को साझा करने वाला हूं जो आपको काफी एक्साइटेड करता है, काफी प्रसन्नचित रखता है, आपको हमेशा खुश रखता है, और वो है प्यार, मेरे दोस्त। लेकिन प्यार का जो मतलब है ना, आजकल थोड़ा सा बदल गया। युवा लोगों को लगता है ना कि किसी लड़की से बात हो गया, अरे बाबरे वही प्यार हो गया। लड़के भी जो है ना, मैंने खूब मैंने क्या कहा जाए, मतलब कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ईमेल, फोन, ये सारी चीजें जो है ना, और किसी से कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया तो चिपक गया। रात रात भर बात कर रहे हैं, दिन दिन भर लगे हुए हैं। अरे ये प्यार है क्या? मैंने आपको लगता है ये प्यार है ना? अरे बिल्कुल, जब तक आपको अनुभव नहीं होता है कि रियल में प्यार क्या है, तब तक आप इसी को समझेंगे प्यार है, जो वास्तव में टाइम पास है। आप देखेंगे तो लगेगा कि ये टाइम पास है, कैसे मैं बताता हूं। और आने वाले वीडियो में भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारी वीडियो का ये सीरीज आने जा रही है, यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है, और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप युवा है और आपके सामने बहुत सारे सपने भी है, और वो सपने जिसको आपको अपना बनाना है, अपने लिए, अपने प्यार के लिए, इस समाज और देश के लिए। अभी तो आप सोच रहे हैं कि मेरा प्यार ही सपना है ना? अरे बिल्कुल। अरे तो फिर समझना पड़ेगा ना, मैं आपके बीच में आया हूं ना, तो ये बात करने आया हूं, बताने आया हूं, जिसको आप मान रहे हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सपना। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। अरे अभी प्यार को पाना चाहते हैं ना? बिल्कुल, मैं आपके प्यार को दिलाने में मैं यहां पे उपस्थित हूं। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आप जो प्यार कर रहे हो गलत है, बस मैं कुछ बातों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, परिचित करवाना चाहता हूं, जिससे आपको लगेगा कि हां यही वास्तव में प्यार है और हमको उस पर गौर करनी चाहिए। मेरे दोस्त, जो मैंने बताया, किसी से बातचीत करना, लगाव हो जाना, भावनात्मक जुड़ाव हो जाना ही प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार का शुरुआत इसी से होती है। हम अपने उस वास्तविक प्यार को समझने की जरूरत है जो अभी तक आप अनभिज्ञ है, भ्रम में है। मैं बता रहा हूं, प्यार एक तपस्या है, एक साधना है, अध्यात्म का वह पराकाष्ठा है जहां पे एकाग्रचित हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, आदमी सुदबुद्ध खो जाता है। आप इससे बेहतर कंसंट्रेशन और किसी काम में नहीं पाएंगे। युवा लोग इतना सुदबुद्ध खो जाते हैं ना कि उनके सामने क्या है, कौन क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या समझा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां तक कि वो अपने सपने भी भूल जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इससे शानदार काम और क्या चाहिए? और अभी इसी में है ना? अरे बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप, अच्छा एक चीज बताइए, आप प्यार को पढ़ना चाहते हैं ना अपने? हाँ बिल्कुल। अरे माता हिलाएंगे आप, मैं समझ रहा हूं। गुड, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्यार है आपकी, इस प्यार को एक मन्नत की तरह कैसे माने और कैसे इसको पाएंगे। और ये हमारी वीडियो जो है आपको अपने प्यार को पाने में काफी मददगार साबित होगी। बस शर्त यह कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये अंत तक बताएगी कि कैसे आप अपने प्यार को पाएंगे। वो साधना के रूप में है, लेकिन कैसे उसको साध बनाएंगे। लास्ट में
आप जिस परिस्थिति में आज है, अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे प्यार है या किसी के प्रति फीलिंग आ रही है, डोंट वरी, आप अच्छे स्टेज में जा चुके हैं। ऊर्जा का जो है ना अपार स्रोत है, अपार भंडार। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में युवा कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब समझ रहे हैं ना, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, दुनिया से लड़ सकता है। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं जो प्यार को परिभाषित करते हैं, लेकिन यहां पे गलत कदम नहीं बढ़ानी है। क्या गलत कदम, आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, आपसे बात करेंगे कि हमको सावधानी बरतनी है। अगर प्यार को रियली में आप सम्मान देते हैं और पाना चाहते हैं, जिसको मैंने बताया कि वह साधना है, तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, और वो तपस्या का एक तरीका होनी चाहिए। आप जिस मन स्थिति में रह करके अभी आप जो तरीका अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, वो एक्चुअली गलत है। मैं भी बोलता हूं, ये प्यार जो आपको हुआ है, मैं आपको थैंक्स बोलता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उस परिस्थिति में पहुंच जा चुके हैं जहां पे आप अपने विजन को, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप खुद सक्षम है। आपको किसी दूसरे की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपार शक्ति का संचय हो जा चुका है। अब आपको बस उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। अब वो वर्कआउट कैसे करेंगे, अपने प्यार को पाना है ना आपको, बिल्कुल प्यार को पाना है। प्यार को पाना है तो फिर जो है ना आपको रेडी हो जाना पड़ेगा। अब आज से और अभी से आपने वीडियो देखा, बस आप एक अपने पास जो ना डायरी जरूर रखिएगा। मेरे वीडियो को देखते समय डायरी जरूर रखे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने प्यार को पाने के लिए रास्ता बनाएंगे। ये सारी चीजें आने वाले सारे वीडियोज में बताएंगे। तब तक ले मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने प्यार को एक तपस्या, साधना, अध्यात्म और एकाग्रता की प्रकाष्ठा के रूप में लेंगे, और उसको पाने के लिए हमारे साथ हर एक वीडियो के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।